तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आप भी रियूज कंटेंट से गुजर रहे हैं, अगर आपके चैनल पर भी रियूज कंटेंट आ गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रियूज कंटेंट क्यों आता है और इसका सॉल्व क्या है, आप रियूज कंटेंट कैसे हटा सकते हैं और अपना चैनल कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। पर्सनली रियूज कंटेंट जो है इसलिए आता है, अगर आपने किसी दूसरे का वीडियो यूज किया है या फिर एक वीडियो को आपने बिना एडिट किए दोबारा अपलोड किया है, ऐसे टाइम पर ही रीयूज कंटेंट आता है। आप भी अपने मोनेटाइज चैनल को जो है डीमोनेटाइज यूट्यूब कर देता है, या फिर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तब भी यूट्यूब जो है आपके कंटेंट को रीयूज कंटेंट बता करके रिजेक्ट कर देता है। तो इस वक्त क्या करना है आपको, किस तरीके से आपका चैनल दोबारा से मोनेटाइज होगा, रीयूज कंटेंट कैसे हटेगा, वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब आप चैनल जो है रीयूज कंटेंट करके रिजेक्ट कर देता है YouTube, तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है रीअप्लाई, दूसरा ऑप्शन होता है अपील करने का। अपील करने का ऑप्शन जो होता है, अगर आपका खुद का पर्सनल कंटेंट है, आप खुद ही शूट करते हैं, खुद ही एडिट करके खुद ही अपलोड करते हैं, तब आपको अपील का ऑप्शन मिलता है। आप यूट्यूब से अपील कर सकते हैं, शायद यूट्यूब से ही गलती हुई हो, तो आप जो है एक अपील वीडियो बना करके अपनी सारी चैनल की जानकारी दे करके और आप उसे अपलोड कर सकते हैं। उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरीके से वीडियो अप्लाई वीडियो कैसे अपलोड करते हैं और कैसे ही यूट्यूब से अपील करते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है रीअप्लाई का। रीअप्लाई का ऑप्शन आता है कि आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी दूसरे का कंटेंट यूज कर लिया है तो उसे डिलीट करके अपना खुद का पर्सनल कंटेंट अपलोड करते रहिएगा। इसके बाद 30 दिन बाद आपके पास रीअप्लाई का ऑप्शन आता है और रीअप्लाई दोबारा आप कर सकते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। और पहला ऑप्शन है अपील करने का, आप अपील कर सकते हैं। अगर आप खुद का कंटेंट क्रिएट करते हैं, खुद ही एडिट करके खुद ही शूट करके खुद ही अपलोड करते हैं, तो आप यूट्यूब से अपील कर सकते हैं। यूट्यूब द्वारा आपके चैनल को चेक करेगा और आपका चैनल मोनेटाइज कर देगा, लेकिन अपील तभी कर सकते हैं जब आपका खुद का कंटेंट है। ये बात ध्यान में रखिएगा और आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ और बताता हूँ किस तरीके से अपील करते हैं और किस तरीके से आपका चैनल मोनेटाइज होगा। दूसरा ऑप्शन होगा रीअप्लाई का। रीअप्लाई 30 दिन बाद होगा और अपील का ऑप्शन 14 दिन। 14 दिन के अंदर आप अपील कर देते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पर और बताते हैं किस तरीके से यूट्यूब को अपील करते हैं और अपील वीडियो कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले आपको जो है एक ऐसा वीडियो शूट करना है जिसमें अपना फेस दिखाना है, अपने चैनल के बारे में यूट्यूब को बताना है। इसके बाद जो है किस तरीके से आप एडिटिंग करते हैं और किस तरीके से थंबनेल बनाते हैं, अपलोड करते हैं, वो सारी जानकारी दे करके आपको एक 5-6 मिनट का वीडियो बना लेना है। इसके बाद जो है आपको आना है यूट्यूब पर, अपना चैनल दिखाना है, ये सारी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर एक वीडियो बना लेना है यूट्यूब को प्रूफ करने के लिए। इसके बाद जाएंगे आप एलिसेट डाल देना है। एलिसेट डालने के बाद अपने चैनल पर अपलोड करके एलिसेट पर रहिए, उसकी लिंक कॉपी कर लीजिएगा, शेयर पे ऑप्शन क्लिक करके उसकी लिंक कॉपी कर लेना, जो वीडियो एलिसेट आपने किया है जो कि यूट्यूब को प्रूफ करके आपने बताया है। इसके बाद YT स्टूडियो पर जाएंगे। YT स्टूडियो पर जाने के बाद यहाँ पर अर्न के ऑप्शन पर जाएंगे, जहाँ से अप्लाई करते हैं, अर्न के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए स्टार्ट अपील का ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन स्टार्ट अपील का होता है, सेकेंड ऑप्शन होता है आपको रीअप्लाई का, जो कि आपको 1 महीने बाद मिलता है। तो आपको अपील करना है, अपील से अगर आपका खुद का कंटेंट है तो यूट्यूब आपका चैनल मोनेटाइज कर देगा। तो स्टार्ट अपील पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपने अनलिस्टेड वीडियो डाला है उसका URL यहाँ पर आपको डाल देना है, वो वीडियो आपका यूट्यूब के पास पहुँचेगा, इसलिए उस वीडियो का URL यहाँ पर आपको कॉपी कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सबमिट करने का। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो वीडियो आपके पास YouTube के पास पहुँच जाएगा और YouTube जो है आपके पूरे वीडियो को चेक करेगा कि किस तरीके से आप वीडियो बनाते हैं, खुद का कंटेंट है या नहीं, उसमें आप प्रूफ करके दिखा देंगे, तो वो सारी चीज़ें यूट्यूब चेक करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख गया है विथिन 14 दिन, यानी 14 दिन के अंदर आपको जो है बता दिया जाएगा कि आपका चैनल सही है या नहीं, और आपका चैनल अगर सही हुआ, खुद का कंटेंट हुआ, तो मोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अपील कर